गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है 21 ऑफ जैन संडे, अभी बज रहा है 10:45। और संडे मीन्स आप लोग जानते ही है, संडे मीन्स राइट तो बनता है। और आप सबको अभी लगेगा कि मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात ना। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज ये ब्लॉग टोटली हिंदी में होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग का बहुत सारा सब्सक्राइबर है, बहुत सारा व्यूअर्स है जिन्होंने कहा है कि आप लोग को हिंदी में एक ब्लॉग बनाइए, एक कंटेंट बनाइए। तो ठीक है, आप लोग का मर्जी सर आँखों पे। तो ये ब्लॉग टोटली हिंदी पे होगा, कभी कभी बीच में बांग्ला आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आएगा ही। और आज मैं फुल्ली अभी रेडी हो चुका हूँ। तन्मय आज मेरे साथ राइड पे नहीं जा रहा है, मेरे साथ है एक दोस्त जिन्हें आप सब कोई जानते हैं, वो है बिशो। लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा तो पिकनिक में भी गया था, उसके पहले कनन वैली वाला ट्रिप में भी वो था, तो वो आ चुका है। मैं अभी जाऊंगा, आज हम दोनों मिलके एक नया डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वो डेस्टिनेशन है एक खान ढाबा बोल के, पता नहीं मुझे वो बिशो ने निकाला है, हाईवे पे साइड किशनगंज क्रॉस करने के बाद। तो मैं फुल डिटेल्स उससे पूछ कर ही बोलूँगा। तो एक नया ब्लॉग होगा, नया मस्ती, जुड़े रहिए, चलिए। और बाय द वे नमस्कार बंधुरा, उई तो स्टेट कवर आबार फिरे एसेछि नतून एकटा ब्लॉग निये शिलीगुड़ीर साथे। ये आ गया हम लोग का विश्व, फुल रेडी, रेडी टू रोल, हम लोग चलते हैं। अच्छा विश्व, वो डेस्टिनेशन कौन सा है? खान बाबा ढाबा? नहीं, खान बाबा ढाबा नहीं है, कोई खान होटल है किशनगंज की तरफ, तो हम लोग उधर ही चल रहे हैं। क्रॉस करने के बाद या पहले? शायद उधर जाके मालूम पड़ेगा, किशनगंज क्रॉस करने के बाद ही आएगा। तो ठीक है, अभी लेट नहीं करते, फिलहाल निकल पड़ते, चलो। कितना का धलवा रहे हो बेटा? 1000। हाँ हाँ, एनाफ, मोर देन एनाफ, अप डाउन सब हो जाएगा। आज हम चलाने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमेशा हम ही चलाते हैं। तो आज विश्व पूरा, हाँ आते समय मैं चला सकता हूँ, वो मूड के ऊपर है, फिलहाल आज बैक सीट पे मैं हूँ, चलिए। जस्ट हम लोग ने पाक डोगरा एयरपोर्ट क्रॉस किया, बहुत जाम है एक्चुअली, इतना लेट से निकले तो जाम तो मिलना ही था हमें, फिर भी दिखते। और रास्ता का काम चल रहा है तो और भी लेट हो रहा है, एकदम ख़राब है रास्ता, एकदम ख़राब। पीछे भी देख सकते हो धूल से पूरा थक चुका है, मैं बाद में बात करता हूँ, नहीं तो मेरा भी जाएगा अभी। जस्ट टोल प्लाजा क्रॉस करके हम लोग अभी रुके, थोड़ा चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना नहीं है हम लोग का, जस्ट 108 किलोमीटर का वन वे डिस्टेंस है, तो हड़बड़ी नहीं, आराम से जाएंगे, लंच करेंगे, फिर निकलेंगे, शायद 4 या 5 बजे तक हम लोग वापस भी आ जाएंगे। तो विश्व अभी मेरे पीछे वहाँ पर मूत्र विसर्जन कर रहा है, तो आने से हम लोग इस चाय दुकान पर चाय पियेंगे, चलिए। और एक बात, आज मैं तो अपना बाइक लाया नहीं हूँ, मेरा भी एक पल्सर हुआ करता था 180 रेड कलर का, उसको मैंने 7 साल चलाया। और पल्सर मैं जब आऊँगा, मैं तो चलाने वो डेफिनेटली मैं चलाने वाला हूँ, क्योंकि इतना साल से पल्सर नहीं चलाया। हाल ही में कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 220 चलाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। चलो 220 नहीं तो 180 तो आज चलाऊँगा ही, क्योंकि हमेशा बुलेट चला रहा हूँ, तो एक ठीक है अभी थोड़ा चेंज होगा। अभी प्लान में चेंज है, हम अभी यहाँ से ही चलाने वाले, बहुत हो गया, अभी मेरा बहुत मन कर रहा है बाइक चलाने का, पल्सर अभी हम चलाएंगे, विश्व पीछे बैठेगा। ठंडा है, इस साइड में ठंडा है, सिलीगुड़ी में अभी उतना ठंडा नहीं है, लेकिन इस
पूरा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देख आप तो शायद देख ही पाओगे, पूरा धुंधला होके रखा है यहाँ पर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, मज़ा आ रहा है सबसे ज़्यादा। सच बोलूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे को मज़ा आ रहा है ये बाइक चलाने में। अभी मैं एक्चुअली मैं चला चला के थक चुका हूँ अभी। हाँ क्या मज़ा आ रहा है अभी। अभी जस्ट हम लोग इस्लामपुर घुसने ही वाले हैं, उससे पहले का नज़रिया देखिए क्या खूबसूरत नज़र आ रहा है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सर में पता नहीं क्या कर रहा होगा घर पे, वो खुद ही बोल रहे थे आज उसको रेस ले रहे हैं। हम लोग कितना ट्रिप कर रहे थे बैक टू बैक बैक टू बैक, तो वो बोल रहे थे आज मैं पूरा दिन सो के घर का काम करके घर में ही रहने वाली हूँ। ठीक है, मैं भी मेरा ये कोई प्लान नहीं था। अचानक कल विश्व रात को बोल रहे चल कल एक किशनगंज राइड करते, वहाँ पर एक खान ढाबा बोल के कुछ है वहाँ पर चलते, वहाँ पर लंच करके हम लोग पैक करें बस। और क्या है, मुझे बस उंगली करने का देर था, बस निकल पड़े दोनों सुबह सुबह साथ। तो चलो अभी तक का राइड एकदम बिंदास जा रहा है, खूब मज़ा आ रहा है। अभी आगे मिलते हैं, चलो। अभी हम लोग बिहार घुस चुके हैं। अभी ये पीछे एक ढाबा है, विश्व को फिर से एक मूत्र विसर्जन करना इसलिए रुकना पड़ा। लेकिन रास्ता ठीक ठाक है, अच्छा है रास्ता, अच्छा है, लेकिन जाम बहुत है बीच बीच में कुछ, जैसा कि मालूम है रोड इस्लामपुर के उधर बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, लेकिन रास्ता अच्छा है। कुछ कुछ जगह खराब है लेकिन रास्ता अच्छा है। तो अपन लोग अभी जा रहे हैं किशनगंज के तरफ, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो आधा घंटा दिखा रहा है, आधा घंटा दिखा रहा है, बट उधर में ट्रैफिक कैसे होएगा कुछ पता नहीं। तो अभी हम चलाने वाले हैं, अभिनव नहीं चलाने वाले हैं। हाँ मैंने चला लिया अभी, बहुत चला लिया है वो। ठीक है, एकदम मन खोल के चलाया एकदम। मजा आया। हाँ ये तो है, बट थोड़ा बहुत इधर में ये तेरा इस्लामपुर के उधर बहुत सारा ट्रैफिक था, वो मजा नहीं आया। तो मिलेगा ही मिलेगा। और रोड आपको पूरा एकदम चकाचक वाला रोड नहीं मिलेगा, बीच बीच में गड्ढा ये सब है, ये सब बड़ा बड़ा गड्ढा, बड़ा बड़ा गड्ढा। नाइट को आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप देख लो ये सब गड्ढा थोड़ा, क्योंकि गाड़ी अगर स्पीड में रहेगा ना तो गाड़ी तो जाएगा आप भी जाओगे। हाँ ये जरूर है, इसलिए हड़बड़ी मत करना, कहीं पर जाओ स्मूथली जाओ, आराम से जाओ, क्या है आधा घंटा लेट पहुँचेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी पहुँचने में, चलो उधर में जाके मिलते हैं खांडा ढाबा। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं खांडा ढाबा। फाइनली ढूंढने में थोड़ा तकलीफ हुआ है पर मिल चुका है हम लोग को। तो वहाँ पर वो चौकी बिछाया हुआ है, चौकी का फुल एक्सपीरियंस लेंगे अभी। खाने का ऑर्डर विश्व भाई, खाने का ऑर्डर क्या दिया आपने? खाने का रोटी है, रोटी चिकन, है चिकन मसाला है, चिकन मसाला। हाँ। अच्छा और है क्या बोलते हैं उसको, अंडा तड़का। चिकन मसाला, रोटी एंड अंडा तड़का। यस चलिए। क्या सोच रहे हो भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। विराजिए विराजिए। पर इसमें हम लोग पानी ही पिए। फाइनली पहुंच चुके हैं। हाँ अभी खाना ऑर्डर दे चुके हैं, जैसे कि आप लोग को पता है क्या क्या मेनू है वो भी बता चुके हैं। अभी खाने आने का इंतजार हो रहा है। यस बहुत भूख लगा है। हाँ बहुत भूख लगा है, एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। हम लोग देख रहे हैं वो सब हम लोग नहीं किए हैं, नहीं हम लोग पानी पी रहे हैं, अच्छा वाला राइड पे कभी नहीं। अभी पहले खाना आ जाए, बहुत जोर से भूख लगा। ये तो सुबह खा के निकला है, मैं तो बिना खाए निकल चुका हूँ, एक्साइटमेंट कहाँ रखूँ इतना।
मोदी के साथ। ढाबा का खाना कोई बीट नहीं कर सकता है, और उसके एक्सपीरियंस मेनली। आप कभी भी ढाबा पे आओ ना, ये खटिया पे बैठ के, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, खटिया ही बोलते हैं शायद, खटिया में बैठ के इधर में गर्म गर्म रोटी एंड उसके साथ ये क्या बोलते हैं इसको अभिनव, एक तड़का, तड़का और चिकन लो, उसका फ़ायदा आपको, आपको उसका एक्चुअल टेस्ट मिलेगा। ये एनवायरनमेंट में बैठ के सबके साथ और ये खटिया में बैठ के जो मज़ा है, मतलब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब जस्ट आके एक बार एक्सपीरियंस करो। एक्चुअली इतना दूर हम लोग सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, सिलीगुड़ी से यहाँ पर बाय रोड, सिर्फ इसके और कुछ भी नहीं। मज़ा आ रहा है, प्याज भी आ गया है, भैया भी आ गया है, भैया का सर्विस बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, अभी खाते फिर मिलते। क्या हुआ विश्व भाई, जाना है तो लेट क्यों गए? बहुत खा लिया। कितना रोटी खाया भाई तुमने? हम तो अभी 7-8 पता नहीं कितने खाए, 8-8 रोटी खाए अभी हमने। अभी बाइक को चलाएगा, अभी अभी सोने का मन कर रहा है। कोई नहीं, हम तो अभी सोच रहे हैं कि हम ट्रक में लगा देंगे बाइक, हम लोग ट्रक से जाएंगे। नहीं लिटरली अभी कौन चलाएगा भाई, नींद आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा हो गया। पर खाना भी इतना अच्छा था ना, क्या करे, ये तो है सही है। इतना दूर आए तो खाने के लिए, ये सोच सही बोला भाई। सोचो हम लोग खाने के लिए इतना दूर आ गए, अभी क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। रोड पे सो भी सकते हैं, नींद आएगा तो सो जाएंगे। तो फिर वो हम लोग का शायद आखिरी ब्लॉग ना हो। चलो मिलते हैं। हम लोग का हो चुका है खाना जिसके लिए आए थे, अभी हम लोग निकल पड़ेंगे बैक टू सिलीगुड़ी। फिर सिलीगुड़ी जाते वक्त मुलाकात होगा, 2 घंटा हम लोगों का टाइम लगेगा। हाँ, पता नहीं अभी ट्रैफिक कैसा मिलेगा, देखते हैं। चलो आप हो तो गया, अभी आराम से जाएंगे, क्या है वही। और अगर आप लोग को कोई ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्त लोग को भी साथ शेयर करो यार, तो फिर ना वो लोग भी आके ऐसा छोटा मोटा राइड करेंगे और मज़ा आएगा, ऐसा ढाबा का मज़ा लेंगे, तब ना आएगा मज़ा। और सब्सक्राइब करो यार, लाइक भी कर दो, इतना दूर देख लिया तो एक लाइक कर दो। चलो हम लोग का सेकेंड चाय ब्रेक, ज़्यादा दूर नहीं निकले यहाँ से, इस्लामपुर। हाँ जस्ट इस्लामपुर ही है ये, तो यहाँ से कितना समय लगेगा? अबाउट 1 आवर, 1.5 आवर, 1.5 घंटा करीब, और बस चाय पियेंगे और निकल जाएंगे, और कोई स्टॉप नहीं होगा। अच्छा है कि क्या बताऊँ, बाइक ही चला नहीं पा रहा। और एक बंदा तो वो तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, एक बंदा एक गड्ढे में गिरा, गिरते गिरते हम लोग को भी मार दे रहा है। बोल रहा हूँ हम लोग को बिना मारे फिर क्या किया, वो रास्ते से उतर के नीचे ही उतर गया। तो चलो चाय पी के निकलते हैं, फिर एक बार में सिलीगुड़ी जाके मिलेंगे। अभी का टाइम है 6 बज रहा है, जस्ट हम लोग घर पहुँचे। अभी विश्व मेरे को ड्रॉप कर देगा, अभी वो यहाँ से निकल जाएगा। सारा दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, राइड भी एकदम स्मूथ ही गया, थोड़ा बीच में रास्ता खराब था पर अंत भला तो सब भला। हाँ, आने के टाइम कोई उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, बट इधर में आपको बागडोगरा से लेके ये सिलीगुड़ी तक थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, अदरवाइज रोड अच्छा ही था बस, और क्या। अच्छा गया, ट्रिप अच्छा गया। हाँ। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। आप लोग को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।